नॉर्मल कुकिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड के जा रहे हैं एक बहुत अच्छा नाश्ता बनाने। यहाँ ले रखी हूँ बेसन, और बेसन में डालूंगी 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डाल दी हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालूंगी, थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालूंगी, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ ले रखी हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, और यहाँ ले रखी हूँ प्याज और कच्ची मिर्ची, जो इसमें मैं डाल दूंगी प्याज और कच्ची मिर्ची, और इसको मिक्स करके इसका घोल बनाऊंगी, और इसको मैं घोल बना लूंगी। बेसी पतला भी नहीं करेंगे और बेसी गाढ़ा भी नहीं, जैसे चीला बनाते हैं उस टाइप के इसको बना लेते हैं। ये मेरा घोल बन के रेडी है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं ब्रेड ले रखी हूँ और ब्रेड को पीस कर दूंगी, यहाँ पर ब्रेड को लेके इसको अच्छे से पीसेस कर दूंगी। देखिए मैंने एक ब्रेड में 4 पीस कर रखी हूँ, ऐसे ही सारे ब्रेड को भी काट लूंगी। और मैंने सबका पीसेस काट ली हूँ और इसको रख लेती हूँ प्लेट में। यहाँ देखिए मैं तावा बैठा रखी हूँ और तावा पर लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल, तावा गर्म हो चुका है और थोड़ा सा ऑयल लगा के, और जो मैं ये बेसन का घोल बनाई थी इसको मैं थोड़ा सा लेके आप देख रही है कि ये मेरा एक तरफ से सीख गया है, और इसको मैं पलट लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, और मैं थोड़ा सा हल्का हल्का ऑयल दे दूंगी इस पर, और मैं एक तरफ से थोड़ा सा हल्का सेकूंगी फिर इस पर डालूंगी ब्रेड। और यहाँ मेरा एक तरफ से सीख गया है, और इस पर मैं दूंगी एक ब्रेड का पीस, तो ब्रेड का पीस दूंगी और इसको मैं अच्छे से, ये देखिए मेरा ब्रेड का नाश्ता बन के रेडी है। और इसको उतार देती हूँ और बाकी को भी वैसे ही सबको बना लेती हूँ। आप देख सकती है मेरा नाश्ता बनके रेडी है, और देख रही है कि मैं 2 मिनट में बना चुकी हूँ ये नाश्ता, और ब्रेड से और बेसन से ही बना है। आप इसको चटनी के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ खाएं, आपका मर्जी, जो चीज़ से खाना चाहे उसके साथ है, और बहुत टेस्टी है। और थैंक यू।